और उस अलिशबा को तो मैंने अच्छे से वार्न कर दिया कि अगर मैंने उसके और फारिस के बारे में जबान खोल दी ना तो उस घर में उसकी जगह नहीं बचेगी। क्या हुआ, यहाँ क्यों खड़े हो? ऐसे बस, तुम सो जाओ। क्यों सुलाना चाहते हो मुझे? फजूल बातें मत करो यार, सो जाओ जाके, ताकि तुम किसी और की यादों में खोए रहो। तुम पागल हो? कुछ लम्हे में अकेला नहीं खड़ा हो सकता? नहीं हो सकते, तुम्हारा सारा वक्त सिर्फ मेरा है। चलो। क्या हुआ है, कोई बात परेशान कर रही है? नहीं बस, नींद नहीं आ रही। शेयर करो ना प्लीज मुझसे। समन प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज लीव मी अलोन, जाओ यार सो जाओ, लीव मी अलोन जाओ। अलिशबा, तुमने मुझे टीना के बारे में क्यों नहीं बताया? क्या बताती, सब कुछ तो बताकर चली गई है वो आंटी को। हाँ लेकिन वो तुम्हारे बारे में मामा से बहुत बुराइयां करके गई है। उससे नहीं की, करवाई गई है उससे। ऑब्वियसली, यू नो जब मैंने टीना के बारे में सुना था, मैंने तो सीरियसली उससे सारिम के लिए सोच लिया था। सारिम को टीना में कोई इंटरेस्ट नहीं, उसे भी वो सिर्फ इस्तेमाल ही कर। तो बेटे यकीन से कैसे कह सकती हो? क्योंकि मैं सारिम की फितरत से बहुत अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जब टीना हमारे घर लास्ट टाइम आई थी तो नोट किया था मैंने उसका बिहेवियर कितना बुरा था उसके साथ। आंटी से भी नहीं मिलने दिया उसने। इतना कुछ हो गया है लेकिन सारिम को अभी भी अकल नहीं आ रही। जब तक अपने मकसद में कामयाब नहीं होगा ना, यही करता रहेगा। मैं उसे उसके मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। भरोसा रखो मुझ पर, हमेशा तुम्हारे साथ हूँ।